राजधानी रायपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए फरवरी में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा से नए लोगों को मौका देती रही है, इस बार भी योग्य प्रत्याशियों को ही मैदान में उतारा जाएगा। इसी क्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि धर्मांतरण रोकने के लिए भाजपा सरकार हर वे उपाय करेगी जो धर्मांतरण को रोक सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है और जैसे ही विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना हुई थी वैसे ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी में लग गई थी। लोकसभा चुनाव के लिए हमारी बैठकें चल रही है, क्लस्टर बन गया है, लोकसभा के प्रभारी सह प्रभारियों की नियुक्ति हो गई है और उसके लिए बैठकें प्रारंभ हो गई है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीट जीतने की तैयारी में पूरी ताकत से जुटी है। देखिए, हमेशा भारतीय जनता पार्टी नए लोगों को हमेशा से मौका देती रही है, पर पार्टी जितने योग्य और सक्षम प्रत्याशियों को चुनाव के मैदान में उतारेगी।